आज की वीडियो में हम सभी ऐसे चार कारणों के बारे में जानेंगे जिसके कारण आम तौर पर खरगोशों का पेट खराब देखा गया है। वो चार कारण क्या है, वन बाय वन करके इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुप्लू आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले कारण के ऊपर चलते हैं जिसकी वजह से रैबिट का पेट खराब अधिकतर देखा गया है और वो है रैबिट का गलत डाइट। अब बात आती है कि गलत डाइट क्या है और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम लोग गलत डाइट अपने बनी को दे रहे हैं। देखिए, गलत डाइट का अर्थ ये होता है कि अगर खरगोश को आहार अगर गलत प्रोपोर्शन में दिया जा रहा है, मतलब जितना देना चाहिए उससे अगर ज़्यादा दे रहे हैं या फिर उससे बहुत कम खिला रहे हैं, तो वह एक गलत डाइट माना जाता है। और अगर खरगोश को ऐसी चीज़ खिला रहे हैं जो कि उसके लिए सही नहीं है, तो ये भी गलत डाइट में ही आता है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि मैं अपनी बात को ईजिली आपके सामने रख पाऊँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने खरगोश को बिस्किट, रोटी, मैगी, चावल ऐसी चीज़ें उसे खिला देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यह उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, इस तरह का जो खान पान है खरगोश के लिए सही नहीं माना जाता है और ये सारी चीज़ें खरगोश को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ये सारी चीज़ें अपने बनी को खिलाते हैं तो इसके कारण उसका तबीयत भी खराब होता है, उसका पेट खराब भी होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरह का खान पान अगर कोई अपने बनी को दे रहा है तो यह एक गलत डाइट है और जिसके कारण उसका पेट खराब देखा जाता है। एक और एग्जाम्पल रखना चाहूँगी ताकि आप समझ पाए कि गलत डाइट क्या है। देखिए, आपने कई लोगों को देखा होगा कि खरगोश को सिर्फ वेजिटेबल्स खिला रहे हैं या फिर सिर्फ धनिया पत्ता खिला रहे हैं या फिर सिर्फ ग्रीन ग्रास खिला रहे हैं। तो इस तरह का जो डाइट है, इस तरह का जो खान पान है खरगोश के लिए, उसके लिए बिल्कुल ही गलत है। ये एक गलत डाइट है। जी हाँ, क्योंकि सिर्फ हरी घास खाना या फिर सिर्फ खरगोश को वेजिटेबल पर रखना उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि यह रैबिट का सही डाइट है ही नहीं। आई होप मैंने जो अभी एग्जाम्पल आप सभी के सामने रखा है गलत डाइट क्या है उसका एक आपको आइडिया मिल गया होगा। अब बात यह आती है कि आखिर रैबिट के लिए सही डाइट क्या है, मतलब कि उसे क्या और कितना देना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चलिए यह जान लेते हैं कि दूसरा बड़ा कारण क्या है जिससे खरगोश का पेट खराब आमतौर पर देखा जाता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि अगर सब्जियों को या फिर फल को या फिर हर्ब में, जैसे हम लोग धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ये सारी चीज़ें हम लोग मार्केट से ला रहे हैं और उसे बिना धोए अपने बनी को दे रहे हैं खाने के लिए, तो उससे भी हमारे बनी का पेट खराब हो सकता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए यह तो हम सभी को पता है कि आजकल के सब्जी फल में पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके ही अपने बनी को फल, सब्जी ये सारी चीज़ें देनी चाहिए खाने के लिए, ताकि हमारे बनी का पेट खराब ना हो। अब चलिए तीसरा जो कारण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर खरगोश के हे में फंगस लगा हुआ है या फिर उसमें बहुत सारे डस्ट है या फिर जो है वो सिमसिमा गया है और उसमें से खराब सी बदबू आ रही है, तो ऐसी सूखी घास खाने से खरगोश का पेट खराब हो जाता है। तो इसलिए यह बहुत यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब आप अपने बनी को हे देते हैं खाने के लिए, तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि जो है वो फ्रेश होना चाहिए, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए
और उसमें कोई फंगस नहीं लगा होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि मेरा यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि आप जब बनी को दे रहे हैं हे खाने के लिए, तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि हे सही होना चाहिए ताकि हमारे बनी का पेट खराब ना हो। चलिए फोर्थ कारण क्या है खरगोश के पेट खराब होने का, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर खरगोश ऐसी जगह से घास खा रहा है, अगर ग्रीन ग्रास खा रहा है जहाँ पर डॉग या फिर कैट का आना जाना होता है, तो ऐसी घास खाने से भी खरगोश का पेट खराब हो जाता है। इसका क्या कारण है मैं अब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जहाँ पर डॉग का या फिर कैट का जिस एरिया में आना जाना होता है, तो आप समझ सकते हैं डॉग या फिर कैट अपना पूप एक्टिविटी या फिर यूरिनेट वहाँ पर ही करते हैं, और उसी जगह से अगर हम लोग घास तोड़कर अपने बनी को देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इससे हमारे बनी के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर ऐसी जगह से घास तोड़कर अपने बनी को देंगे, तो डेफिनेटली हमारे बनी का पेट खराब होगा ही होगा। इसीलिए जब भी आप अपने बनी के लिए फ्रेश ग्रीन ग्रास तोड़कर लाते हैं, तो आप ऐसी जगह से लाए जहां पर डॉग या फिर कैट का आना जाना नहीं होता है, और घास तोड़कर जब भी लाए तो उसे अच्छे तरीके से पानी से धोकर ही अपने बनी को दे खाने के लिए। तो खरगोश के पेट खराब होने के ये थे मेन 4 कारण। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही काम का लगा होगा। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ही मेहनत लगी है और मैंने अपने एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर किया है। अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन और सजेशंस ज़रूर से लिखिएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।